इसमें नाम है मिक्सर गेमर माइनक्राफ्ट आपके साथ। और गाइस आज वापस आ चुके अपनी माइनक्राफ्ट वाली दुनिया में। और गाइस थैंक्स गिविंग के लिए मैं हैक्स बनाना भूल ही गई थी, सो गाइस आज हम थैंक्स गिविंग के लिए कुछ हैक्स बनाने वाला है। सो यस गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें थैंक्स गिविंग के लिए एक बड़ा सा चिकन बनाना है। और यस हीरा ग्रेनाइट वॉल जीलिया बस। और अभी हमें सिर्फ इतनी चीज़ों की ज़रूरत है एक टर्की बनाने के लिए और एक रैंडम ब्लॉक चाहिए जो कि कट कॉपर वैक्स कट कॉपर ब्लॉक। आप कोई सा भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो पर मैं यूज़ कर रही हूँ कट कॉपर ब्लॉक क्योंकि ये प्लेट के लिए काफ़ी अच्छा दिखेगा। इसीलिए ये बन गया अपना टर्की का प्लेट। यह बहुत बड़ा प्लेट चाहिए हमें टर्की के लिए। ये बन गया प्लेट। और ड्रिपस्टोन ब्लॉक से ऐसे दो बनाना है, हो गया। अब यहाँ पे लगाना है एक ट्रिप वायर हुक। ये छोटा टर्की है, आप इसको दो ब्लॉक भी बड़ा कर सकते हो पर ये एक छोटा सा टर्की है इसलिए मैं इसको इतना ही बड़ा रख रही हूँ। ग्रेनाइट वॉल, ये रहा हमारा ग्रेनाइट वॉल। और अभी जाएगा यहाँ पे लाइटनिंग रॉड। यहाँ पे लगाना है लाइटनिंग रॉड और ऐसे लाइटनिंग रॉड करो यहाँ और यहाँ पे अभी एक लगाना है बटन। बन गया आपका बड़ा सा एक टर्की। ये है चिकन लेग पीस, आई मीन चिकन लेग पीस। ये बीच का पार्ट, ये उसके विंग्स और ये बीच का ये चिकन पीस। ये हो गया आपका टर्की रेडी। और अभी थैंक्स गिविंग के लिए हमें चाहिए पम्पकिन पाई। यस गाइस पम्पकिन पाई की ज़रूरत है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक ब्लॉक डिक करना है, आई मीन दो ब्लॉक डिक करना है। यहाँ पे एक वॉप्ड स्लैब लगाना है, उसके ऊपर कोई सा भी ब्लॉक लगाना है ऐसे ऐसे और ऐसे। वो दो गज टाइडन वाला राउंड। और अब मुझे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे आपको डायगनली एक ये रखना आर्मर स्टैंड, उसको पोस्ट करके सेकंड पोजीशन पे डाल देना है ताकि आपका आर्मर स्टैंड एकदम प्लेस पे रहे। और गाइस अगर आप जावा में तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आर्मर स्टैंड के वैसे भी हाथ नहीं होता। अगर आप बेडरॉक में तो ये करो और फिर कार्व्ड पम्पकिन डालो। ये हो गया, ऐसे टेढ़ा डाला एक और अब ऐसे सीधा डालना है। ये एक हो गया, अब इसका क्राउच करो पोज एक्विप नीचे। ये हो गया पम्पकिन पाई हमारा 3D पम्पकिन पाई। यहाँ पे आगे मैं स्ट्रिप स्प्रूस लॉग। अब ये ऐसे रखो ऐसे पिस्टन, फिर ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन, एक और रेडस्टोन ब्लॉक नीचे ऐसे। और अगर आप कोई भी रेडस्टोन एक्टिवेशन डिवाइस यूज़ कर सकते हो जस्ट एज मी, मैं यूज़ कर रही हूँ रेडस्टोन का ब्लॉक। आप यूज़ कर दो लीवर बटन कुछ भी। और अब मेरा अकेशिया प्रेशर प्लेट एकदम कोने में एम करना है। ये हो गया आपका पम्पकिन पाई तैयार। ये देखो गाइस अब यहाँ से आप स्लाइस ले लेके अगर खाना चाहते हो पम्पकिन पाई को सो ऑब्वियसली आपको पम्पकिन चाहिए और एक एनविल चाहिए। ये गई अपनी दादी माँ की पम्पकिन पाई। और यहाँ पे अपने मच्छी को हटा के दादी माँ की पम्पकिन पाई डालो। ये देखो दादी माँ की पम्पकिन पाई कुछ ऐसे। इसको भी तोड़ो फोड़ो और ऐसे, और इसको भी तोड़ो फोड़ो और ऐसे। ये हो गया दादी माँ की पम्पकिन पाई। ये दादी माँ की पम्पकिन पाई टेबल। और इस साइड आप और प्लेट्स लगा सकते हो जस्ट एज मी। और मैं यूज़ करूँगी अभी यहाँ पे इनविजिबल आइटम फ्रेम। और यहाँ पे भी मैं इनविजिबल आइटम फ्रेम यूज़ करना चाहती थी। यहाँ पे मुझे भी प्लेट्स के तौर पे इनविजिबल आइटम फ्रेम यूज़ करना है। यहाँ पे होंगे ब्लू प्लेट्स, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पूरा प्रोसेस फिर से नहीं दोहराना तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ये रहा मेरा स्प्रूस प्लैंक्स, यहाँ पे लो स्प्रूस प्लैंक्स और प्लैंक्स यहाँ पे ऐसे 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 डाल दो, अंदर की तरफ प्लेट बन जाएंगे। ये हो गया। और अभी यहाँ पे डालो आइटम फ्रेम। और अब इसके ऊपर ओके वो जल रहा है ओके हाँ जलने वाला है तू वैसे भी। कैसे मतलब निकल तू, अंदर अलाउड नहीं है। ओबे और हाँ वैसे ही मर गया। अच्छा मेरे मिला के मुझे ट्रेडर नहीं। और अभी हमें चाहिए लंबी जूस की बॉटल्स जो कि हम अभी बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक बॉटल यहाँ पे चाहिए तो इसको यहाँ पे रखो नीचे एक एन्चैनमेंट टेबल। हाँ गाइस मुझे पता है एन्चैनमेंट टेबल की ज़रूरत है जो कि बहुत बुरी बात है। एन्चैनमेंट टेबल ये हो गया, ये ले लिया एन्चैनमेंट टेबल। अब डालो एक आर्मर स्टैंड, क्राउच करके पीछे की तरफ पोज करके ऐसे। क्या कितने वेज आपको आर्मर स्टैंड डालना है। और अब यहाँ पे आपका नीचे जो भी ब्लॉक था जैसे कि मेरा था ये वाले प्लैंक्स, तो अभी आपको वो वाले प्लैंक्स लेना है और पिस्टन और रेडस्टोन ब्लॉक। ये हो गया और एक दो तीन ऊपर। और अब यहाँ पे डालना है एक आयरन का हेलमेट, यहाँ पे डालो ये। और अब यहाँ पे एक पिस्टन
उसको पुश करो ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे चाहिए हमें नेदर ब्रिक वॉल, रेड कलर का नेदर ब्रिक वॉल नहीं, रेड स्टोन ब्लॉक ले लेते हैं, हाँ रेड कलर का नेदर ब्रिक वॉल। और अभी इसको पिस्टन से पुश करो कुछ ऐसे, हो गया। और अभी ऊपर लगाना है एक नेदर ब्रिक फेंस, ये हो गया, ऑसम। और अभी चाहिए एक फ्लावर पॉट, दूर खड़े होके फ्लावर पॉट लगा उसके ऊपर, ये उसके ढक्कन की तरह लगेगा, हो गया। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक बना सकते हैं हम लोग। और गाइस आपको एक और फैक्ट क्या पता है, वो जो नीचे का सब्सक्राइब का बटन है ना, वो जो आपको रेड रेड दिखता है ना, वो जादू की तरह जब उसको दबाओगे वो ग्रे हो जाएगा। हाँ गाइस ये एक सच्ची में है। तो गाइस अगर आपको खुद को ये जादू करना है तो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा डालो। ये देखो गाइस यहाँ पे दादी मांगी पम्पकिन पाइज रखी है बहुत सारी, दो दो जूस की बॉटल्स, और जो जो यहाँ पे बैठे यहाँ पे भी उनके लिए दो दो जूस की बॉटल्स। यहाँ पे डालो कुक टर्कीज, बस हो गया हमारा टेबल रेडी। और अब अगर आप इसको थोड़े बहुत और चीज़ों के साथ करें, मतलब अभी अब ये है, अब बारी है टेबल सेटिंग्स की। टेबल सेटिंग्स के लिए हमें जो पॉइंटेड ड्रिपस्टोन जो कि फोल्डेड नैपकिन्स की तरह दिखेंगे, तो इसलिए चाहिए अंडे और सी पिकल चाहिए। सी पिकल ऐसे ही कप्स की तरह सजाने के लिए चाहिए, ये देखो गाइस जैसे कप्स की तरह सजाने के लिए हमें चाहिए सी पिकल्स। ये देखो जगह जगह ऐसे सी पिकल्स डालते तो लगेंगे कि जूस के लिए कप्स तो ऑब्वियसली चाहिए होंगे ना गाइस हमें। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक डाल दिया, हो गया यहाँ पे कप्स रेडी। और टोटल एग हम लोग ऐसे रैंडम जगह पे चार चार तीन तीन डाल देंगे, दो यहाँ पे और तीन और यहाँ पे और तीन, ये हो गया। और अभी हमें चाहिए पॉइंटेड ड्रिप स्टोन, यहाँ पे एक रखो, सी पिकल टूट गया, सी पिकल डालो यहाँ पे, और दो पॉइंटेड ड्रिप स्टोन रखो। तीन फोल्डेड नैपकिनस है, यहाँ पे एक नैपकिन रखो, यहाँ पे एक नैपकिन रखो, और यहाँ पे एक नैपकिन डालो, एकदम एकदम साइड में एक नैपकिन डालो, और ये नैपकिन यहाँ पे, बस ये उसका नैपकिन है जो यहाँ पे बैठ के खाएगा। हो गया गाइस ये आपकी टेबल सेटिंग्स थी। और अगर आप इसको और भी चीज़ें कंबाइन करना चाहते हैं, मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ। गाइस मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत से और सेटिंग्स बना लिया है, ये देखोगा यहाँ पे मैंने टू कुक टर्की रखी, ये चेयर्स बना लिया मैंने यहाँ पे आराम से बैठे रहने के लिए, इस बड़े टर्की को इन्जॉय करने के लिए। यहाँ पे आप एक फायर प्लेस ऐड कर सकते हो, जिसके साथ यहाँ पे इतनी लकड़ियाँ रख सकते हो, लकी लगे कि यहाँ पे लकड़ियों की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे ऐसा फायर प्लेस बनाओ, और फिर यहाँ पे अजेलिया लीव्स के ऊपर ये कैंडल लगा दो, यहाँ पे कोई भी बैठेगा वाह 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 कहेगा। और गाइस यही होने जा रहा है मेरा मेन वर्ल्ड। तो गाइस एक बिग अनाउंसमेंट है कि यही मेरा मेन वर्ल्ड बनने जा रहा है, और ये जो ऑटोमेटिक डोर है इसके पीछे मेरा घर बनेगा। और यस गाइस यही थी आज की वीडियो में। और गाइस मैं आपको रात वाला दिखा देती हूँ, टाइम सेट मिड नाइट, रात को देखो गाइस ये कितना अच्छा लगता है, ये देखो गाइस। और गाइस अपना ग्लू आइटम फ्रेम लगा, आपको ग्लू आइटम फ्रेम हाईली रिकमेंड करूँगी यूज़ करने, क्योंकि कैंडल्स ज़्यादा लाइट एमिट नहीं करते, तो इसीलिए बेड रॉक में, तो इसीलिए ग्लू आइटम फ्रेम लगाओ ताकि लगे कि ये हो रहा है। और ये देखो गाइस क्या मस्त लग रहा है, यहाँ के लोग अंधेरे में थोड़ी ना खाएंगे। यहाँ पे भी आप लैंटर्न लगा सकते हो, ये देखो मैंने यहाँ पे एक लैंटर्न लेके इधर एक और इधर एक लगा दिया, बस हो गया गाइज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो लोग यहाँ आएंगे टिश्यू पेपर से हाथ मुंह पोछेंगे, कुक टर्की खाएंगे, हम नम 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 बहुत टेस्टी था, ये जूस पियेंगे एक साथ। यहाँ पे ये देखो गाइज यहाँ पे एकदम से दादी माँ की पम्पकिन पाई खाएंगे ये लोग, दादी माँ की टेस्टी टेस्टी पम्पकिन पाई। यहाँ पे एक फायर प्लेस है जिसकी वजह से वो लोग रात को भी गर्मी पा सके, और ऊपर फैंटम्स है, मुझे सोना पड़ेगा जाके, हाफ मून है वो भी, एक और टाइम से डे कर लेते हैं। और गाइस हमारी अगले हैक के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगी। टिल देन मिक्सर गेमर आउट, बाय।